मध्य प्रदेश में सरेआम गोली चलना अब आम बात हो चली है। जी हां, ताजा मामला छतरपुर जिले से सामने आया है, जहां महाराजपुर थाना अंतर्गत खिरवा रोड पर पुलिया के पास एक युवक के साथ 6 लोगों ने मारपीट करते हुए पेट में गोली मार दी। घायल युवक ने एम्बुलेंस को कॉल किया और इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजपुर पहुँचा। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स परकोटा तिराहा सागरमत। जानकारी कहती है कि युवक टटम से अपने गांव मुखर्रा पैदल जा रहा था कि तभी खिरवा रोड पुलिया के पास 3 बाइक पर सवार 6 नकाबपोश बदमाश आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इसके बाद ब्रजेंद्र के पेट में कट्टे से गोली मार दी। गोली ब्रजेंद्र के बाएं साइड पेट में लगी। गोली मारकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास कोई किसी के नहीं होने के कारण घायल ब्रजेंद्र ने मोबाइल से एम्बुलेंस से 108 को कॉल किया और महाराजपुर अस्पताल पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायल ब्रजेंद्र ने बताया कि 5 दिन पहले टटम निवासी अर्जुन सिंह यादव ने मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी। जिला अस्पताल में पिछले 2.5 घंटे से भर्ती है। गोली न निकलने के कारण घाव से लगातार खून निकल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल ने बताया कि इस संबंध में मैंने सीएमएचओ से बात की है, जल्दी उनको नोटिस दिया जाएगा, मैं जांच पड़ताल करवाता हूं। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब इसने कुछ बताया नहीं, ऐसे ही बताया कि मैं अपने गांव जा रहा था मम्मी पापा के पास और रास्ते में कुछ लोगों ने गोली मार दी, वैसे ही बताया इसने। कितने लोग थे? अभी बता तो रहा था, मैं तो बाद में आया, मुझे बताया कि आप ले जाओ वहाँ छतरपुर। घटनास्थल ये इसी गांव के पास में है, तिगैला पड़ता है। कहां से जा रहे थे? ये महाराजपुर से अपने घर जा रहा होगा, तभी क्या बता रहा था ये घटना। हाँ, रास्ते जा रही वो लोग, ये मालूम नहीं, मुझे बोला कि आप लेके चले जाओ छतरपुर, तो मैं लेके चला आया। हाँ, कट्टे से बता रहा था। नहीं बताया कितने लोगों ने मार दिया क्या? ये इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। आप लेके आ गए? हाँ, हम लेके आ गए। मुकेश यादव के साथ कमलेश चंदपुरिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज छतरपुर।